भावभीनी विदाई के कार्यक्रम में होने वाले राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, सीपी साहब धारीवाल जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी, बीजेपी के अध्यक्ष पुनिया जी, तमाम विधानसभा के स्टाफगण, तमाम पत्रकार साथियों, हम तो वो भाग्यशाली एमएलए हैं जिन्होंने इतने अनुभवशील लोगों को देखा। और साहब, हमने तो आपके दिन में तीन तीन रोल देखे। आप प्रश्न काल में कितने गंभीर होते हो, कितना मीठा मीठा बोलते हो, फिर आप जब विरोध करते हो तो आप कितने तेज बोलते हो। जब आपका 40 मिनट का भाषण, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से कभी आपका भाषण छोड़ा ही नहीं। इधर उधर गया हुआ था तो वाक्य आप ही सुने हम, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव हमें भी ये बातें सिखाएगा कि प्रदेश की जनता की, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बातें कैसे उठाएं, कैसे पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाएं। मैं सीपी साहब का और आपको दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि धारीवाल जी ने जो कार्यक्रम, संसदीय मंत्री जी ने जो कार्यक्रम दे दिया, बीएससी ने जो कार्यक्रम तय कर दिया, आपने सदन को लंबा चलाते हुए प्रदेश की जनता की बात को इस सदन में रखा। और हम तो वो सौभाग्यशाली विधायक हैं और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपको राज्यपाल होते हुए भी हमने देखा है। मेरी आपसे एक मांग भी रहेगी कि आप जाते जाते एक चाबी आपके पास, ये मदन जी दिलावर को काबू करने की, वो किसी को जरूर सौंप के जाना, नहीं तो ये किसी के ताबे नहीं आएंगे, फिर आपकी बहुत याद आएगी। राठौड़ साहब जो गड़बड़ कर देते हैं आप उसको भी सलटा देते हो, पर राठौड़ साहब तो आप पुराने अनुभवी आदमी, इनकी चाबी तो मैं नहीं मांगूंगा, पर दिलावर जी की चाबी जरूर दे के जाना किसी छाने आदमी को। मेरे को दे जाओ तो भी मैं संभाल लूंगा, मेरे पास बैठते हैं। मुझे याद है उस दिन जब आप दिलावर जी ज्यादा सिंगर गए थे और आपने ऐसी घुड़की लगाई, उस दिन के बाद इनके व्यवहार में फर्क आ गया। मामे, मैं नोट करता हूं, मैंने मेरी डायरी लिखता हूं मैं, छोटी मोटी, मैंने उसमें लिखा कि आपने कैसे एक आदमी को यूं, नहीं तो इनके ब्रेक है ही नहीं साहब, पर आपके पास ब्रेक है। ये रोल भी मैंने आपका देखा है। मैं हृदय की गहराइयों से सीपीआईएम की तरफ से आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आसाम की वो पूर्वोत्तर की जनता को भी आपके अनुभव का फायदा मिलेगा। आप संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेंगे, संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सबने हम सबको ये मौका दिया, इसके लिए सीपी साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने, आपने हमारी सब लोगों की बात भावनाओं को ध्यान में रखा। और धारीवाल जी का तो कहना ही क्या है, आप तो इनके साथ जूठे लड़ते हो। मैंने आपको लिफ्ट में देखा एक दिन, पहले दिन आप किताब की बात को लेकर के लड़े और दूसरे दिन लिफ्ट में मैं चुपचाप आपके साथ आया और आप दोनों ने बड़े प्यार से गले लग करके बात करी। ये चीजें हमें विधानसभा में बैठ करके और इस कार्रवाई को देखने का, काम करने का अनुभव मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत